रायगढ़ अंबिकापुर जशपुर धर्म प्रांत पुंग के बिशपों की ओर से तीनों धर्म प्रांतों के पुरोहितों, धर्म वाहनों और सभी भाई बहनों के लिए COVID-19 संबंधी दिशा निर्देश हेतु विशेष संयुक्त पत्र। ख्रीस्त में हमारे प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, माता पिताओं और भाई बहनों, आप सबों को जय यीशु और हमारे प्रभु यीशु के प्रेम तथा शांति की शुभकामनाएं और हमारा धर्माध्यक्षीय आशीर्वाद। इस समय में हम हमारे देशवासियों के साथ कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बड़े और नाजुक संकट से उबर रहे हैं। इन पंक्तियों के लिखे जाते समय तक आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 2,81,73,655 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3,31,909 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हो चुकी है। लेकिन लोगों का मानना है कि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं बड़ा हो सकता है। एक ओर हमारा देश कोरोना की दूसरी लहर पर विजय पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है तो दूसरी ओर तीसरी लहर का भय भी सामने खड़ा है। इसलिए भविष्य में आने वाले संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयारी भी जरूरी है। इसके लिए सबसे प्रभावी उपाय के रूप में टीकाकरण आरंभ किया गया है जो पूरे देश में जारी है। ऐसी सूचनाएं और जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि शहरी क्षेत्रों में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है और अच्छी संख्या में लोगों का टीकाकरण हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में यहां वहां से टीका के पर्याप्त डोज की कमी की शिकायत भी मिल रही है, लेकिन सुदूर स्थित ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में परिस्थितियां इसके विपरीत हैं। ऐसी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि पहला, लोगों में टीकाकरण के प्रति उत्साह एवं जागरूकता की कमी है। कई स्वास्थ्य केंद्रों में टीका की पर्याप्त डोज उपलब्ध है। स्वास्थ्य कर्मी भी अपनी सेवाएं देने के लिए हाजिर हैं, लेकिन लोग वहां पहुंच नहीं रहे हैं। दूसरा, ग्रामीणों में COVID-19 के टीका का खौफ है। कोरोना से ज्यादा कई लोग टीका से डरे हुए हैं। डर के विभिन्न कारण बताए जा रहे हैं, जैसे लोगों को बुखार हो जाना, कुछ लोगों की मौत हो जाना आदि। तीसरा, टीका को लेकर कई प्रकार की अफवाहें और गलतफहमियां फैली हुई हैं, जैसे टीकाकरण के दुष्प्रभाव से प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, नपुंसकता होती है, टीका प्रभावी नहीं है क्योंकि उसके बाद भी लोग संक्रमित हो जाते हैं, टीका का प्रयोग गरीब लोगों पर किया जा रहा है इत्यादि। चौथा, भ्रांतियां फैलाने में सोशल मीडिया भी कार्य कर रहा है। पांचवा, टीकाकरण कार्यक्रम में असहयोग के साथ कुछ जगहों में इसका विरोध भी हो रहा है। छठवा, टीकाकरण अभियान के प्रति कुछ लोगों में अविश्वास की भावना है। उपरोक्त सभी बातों के संबंध में व्याप्त भ्रांतियों और आशंकाओं को दूर करने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स टीका के कारण मौत और नपुंसकता की बात को आधारहीन बताते हैं। यदि टीका के बाद मृत्यु हुई भी हो तो वे दूसरी वजहों से भी हो सकती हैं। जहां तक बुखार चढ़ने और प्रतिरोधी क्षमता में कमी होने की बात है, यह कुछ लोगों में थोड़े समय के लिए हो सकता है, यह नॉर्मल बात है। टीका का दूसरा डोज लेने के कुछ दिनों बाद ही टीका पूर्ण प्रभावी होता है, तब तक सभी सावधानियां बरतने की जरूरत है। सोशल मीडिया द्वारा फैलाई जा रही सभी बातों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें झूठी, शरारतपूर्ण और भ्रामक होती हैं।
हमें सरकार पर कम से कम इतना तो विश्वास करना चाहिए कि कोरोना की रोकथाम और इसके बचाव के लिए वह इस टीकाकरण अभियान को संचालित कर रही है, यह उसका कर्तव्य है। यदि टीकाकरण से हानि होती तो कोई भी सरकार अपने ही नागरिकों का क्यों इतना और ऐसा अहित करेगी। हम यहाँ इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि टीकाकरण की आवश्यकता के बारे में सभी चिकित्सक और विशेषज्ञ एक मत हैं। अमेरिका के सबसे बड़े महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर फाउसी ने इसे भारत के लिए बिल्कुल ही आवश्यक बताया है। हमें CBCI कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा संचालित और हमारे देश में प्रतिष्ठित सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु के प्रोफेसरों के एक दल द्वारा तैयार की गई एक गाइडलाइंस प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने टीकाकरण को केवल आवश्यक ही नहीं लेकिन अनिवार्य भी बताया है। हमारे देश के एक बड़े और जिम्मेदार नेता ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में टीकाकरण न करवाना आत्महत्या के समान है, अतः टीकाकरण का असहयोग या विरोध करना गैर जिम्मेदाराना है। इसलिए हम आप सबों से सनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि पहला, हमारे समुदाय के और हमारे समुदाय से संबंधित सभी फादर्स, सिस्टर्स और प्रबुद्ध व्यक्ति स्वयं अनिवार्य रूप से टीका प्राप्त करें। दूसरा, अपने अधीनस्थ सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित करें और उनका टीकाकरण सुनिश्चित करें। तीसरा, अपने आसपास के सभी लोगों, विशेषकर गांव के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। चौथा, टीकाकरण के संबंध में व्याप्त आशंकाओं, गलतफहमियों और गलत जानकारियों को दूर करें। पांचवा, कोरोना की रोकथाम और इससे बचाव के लिए शासन द्वारा जारी नीति, मार्गदर्शन और कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करें और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें। छठवां, कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे से लोगों को आगाह करते रहें। सातवां, कोरोना से बचाव और सुरक्षा के लिए परिवारों और संस्थाओं में नियमित रूप से प्रार्थना करें। हमारी ओर से आप सबों को प्रार्थना पूर्ण शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर आप सबों को वर्तमान संकटकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा और शांति प्रदान करें। आप सबों के विश्वासी माननीय बिशप पत्रस मिंज अंबिकापुर के बिशप, मान्य बिशप इमानुएल क्रिकेट्टा जशपुर के बिशप और मैं बिशप पॉल टप्पो रायगढ़ का बिशप, 3 जून 2021।